हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले पर्सिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा है। स्टॉक जो है 4000 के ऊपर सस्टेन होने में भी कामयाब हुआ। हालांकि आज का जो रेंज है वो 4030 है लो एंड 4240 हाई। यस्टरडे स्टॉक ने 4000 के रेंज को टच किया था, जो कि बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम कंसिस्टेंट ग्रोथ देख सकते हैं इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइस टू अर्निंग वाइज भी। दिस इज नॉट द एक्सपेंसिव कंपनी। हाँ, हालांकि वन ईयर का रिटर्न बहुत ज्यादा है, 1164 का लो, 4439 का हाई। ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने अपने 52 एक्स लो से 4 टाइम्स बढ़ चुका है एंड 300% से भी ज्यादा का इसने प्योर रिटर्न दिया। अगर मार्केट कैप देखे 31,729 करोड़, प्राइस टू अर्निंग 55 का है, जो आपके सेक्टर भी 39 का है, बट दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, सारे साई MFI इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो टूल्स है जो कि शॉर्ट टर्म में किसी पर्टिकुलर स्टॉक के मूवमेंट को दिखाता है। RSI में इसका स्कोर है 47.9, MFI में 48.2, 72 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। तो ये जो स्टॉक है अपने ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के बीच में, अगर इसका रिटर्न देखें 1% 1 मंथ का 5-6%, 3 मंथ का 27%, 6 मंथ का 67% एंड 1 ईयर का रिटर्न बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 248%, यानी 250% अप्रोक्स आप मान लो, जहाँ पे रिटर्न जो है ऑलमोस्ट 3000 रुपीज का है, जो कि बहुत ज्यादा है। बट लास्ट 6 मंथ का जो लो है वो 2400 का है एंड 3 मंथ का लो 3270। एंड जिस तरह का परफॉर्मेंस, आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक बहुत नीचे की तरफ जाएगा। अगर आपको बाई करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में रिजल्ट खराब होता है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ भी जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो ये 3000 के नीचे जाएगा, क्योंकि IT स्टॉक नॉट ओनली अ हेजिंग स्टॉक, ये गिरते हुए मार्केट में डिफेंसिव रोल भी प्ले करते हैं। दीज आर द स्टॉक, दोज आर वेरी गुड। उसमें पर्सिस्टेंट सिस्टम, टाटा एलेक्साई, माइंडट्री या फिर L&T इंफोटेक जैसे स्टॉक शामिल है। अगर हम स्टॉक के RSI MFI के साथ साथ 30 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज को भी देखें, सो एज यू कैन सी स्टॉक 20 डे एक्सप्लोरेशन एंड सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर एट द मोमेंट ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 4080 के करीब है। एंड जो इसका सपोर्ट है वो 3500-3600 करीब, जहाँ पर 100 डे सिंपल एंड एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज। सो ये आपका बिग सपोर्ट हो गया, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 10% नीचे एंड ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट देखें तो स्टॉक जहाँ पे है, अगर 4220 के ऊपर चला जाता है तो 4400 देन ये नैन राइफ हाई को भी छुएगा। इतना बढ़ने के बाद स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन मोड पे है, बट जिस तरह का परफॉर्मेंस है, आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। हाँ, उतना एग्रेसिव मूवमेंट शायद आपको ना दे, सो जितना नीचे अगर आपको मिले ये स्टॉक, आपको ध्यान पे रखना है, इस स्टॉक के ऊपर आपको फोकस रखना है। मैं ये नहीं करूँ कि अभी आपको बाई करना है, बहुत सारे ऑल विकल्प मार्केट पे मौजूद है, बट अगर करेक्शन में मिलता है डेफिनेटली आप इससे चुकी है मत। 3500-3600 इज बेस्ट वे टू एंटर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करें, पीयर्स के साथ कंपेयर करें, सो पर्सिस्टेंट सिस्टम इज अ वेरी गुड कंपनी जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के ऊपर है। एंड अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी का रैंकिंग देखें, सो ये नंबर 13 पे आता है, कोफोर्स, टाटा एलेक्साई जैसे कंपनीज के ऊपर आते हैं। सो इस पर्टिकुलर रेंज में बहुत सारे कंपनीज है, आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो जिसमें L&T इंफोटेक, माइंडट्री, एम्फेसिस, टाटा एलेक्साई, पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक को आपको रखना है, जो कि स्मॉल कैप टू मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। जो लार्ज कैप है उसमें TCS, इंफोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक को आपको रखना है। सो दैट इज समथिंग इज ऑल ओवर एम ट्राइंग टू सी। इसका ROC भी 20 के ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है। अगर हम स्टॉक के रिजल्ट को देखें, सितंबर के रिजल्ट भी अच्छे थे, क्योंकि जो प्रॉफिट है 162 करोड़ का, कंसिस्टेंट ग्रोथ हम देख सकते हैं, 102 करोड़, 121, 138, 151, 162, इसका प्रूफ है इसका EPS जो कि 15, 18, 19, 21 का है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अच्छे रहे, सो 180 करोड़, 200 करोड़ का प्रॉफिट भी ये कंपनी दिखा सकता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द ग्लोबल IT मार्केट, उनके पास अच्छे खासे रिजल्ट डिक्लेयर करने के बहुत सारे रीजंस भी है। अगर हम इस कंपनी के और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सबसे लास्ट में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, पुमरा स्कोर 31% है, KFI के पास 19%, DI वेरी बुलिश 28% एंड पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 19%, सो दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न विच इज वेरी गुड। यहाँ पे DI का स्टेक FI से ज्यादा, यानी DI इज ऑल्सो मोर बुलिश देन FI, यानी लोग इसमें थ्रू म्यूचुअल फंड भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। पब्लिक होल्डिंग भी जो है उसमें बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर के अच्छा खासा स्टेक है 18.51%। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज गुड, परफॉर्मेंस गुड, डेफिनेटली डिप्स में आप स्टॉक को बाई करना है, क्योंकि एट दैट मोमेंट अगर बाई करोगे महीने को नीचे की तरफ जाएगा, कोई नेगेटिव न्यूज आता है तो स्टॉक कंसोलिडेट करेगा एंड थोड़ा आप इसमें ट्रैप हो सकते हो। बट अगर करेक्शन में बाई कीजिए 3600-3500 के करीब, अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द 5000 के भी दर्शन हो जाएंगे। ये था पर्सिस्टेंट सिस्टम को लेकर मैंने एक एनालिसिस, आपको स्टॉक में अपने रडार में रखना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छे लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।